इस कहानी में हमें बताया जाता है कि दुनिया में एक ऐसी खतरनाक वायरस फैल गई है जिससे लोग बहुत ही तेजी से खूंखार जानवरों में बदलते जा रहे हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है, लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। और लोग अपने आंखों के सामने अपनों को खतरनाक जानवरों में बदलते हुए देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो कहानी की शुरुआत होती है एमिल और उसके डैड फ्रांसिस को दिखाते हुए, जो हॉस्पिटल जाने के दौरान एक ट्रैफिक में फंसे हुए थे। लेकिन दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे एमिल गुस्सा होकर गाड़ी से उतरकर जाने लगता है, तो फ्रांसिस भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर बंद एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जो हिल रहा था, और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। तो फ्रांसिस तुरंत ही एमिल को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है, और तभी उस एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़कर एक आदमी बाहर निकल आता है जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उनसे किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और एमिल डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां एमिल की मॉम लीना की इलाज चल रही थी और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी, और पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में बहुत सारे लोग भी धीरे धीरे म्यूटेंट बनते जा रहे थे, और ये म्यूटेंट्स कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाते थे। डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि लीना का इलाज अभी भी चल रहा है और उसे पूरी तरह ठीक होने की बहुत ही कम उम्मीद है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी भी ठीक ही ना हो। और अब इस बीमारी के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन एक समय के बाद इस बीमारी की वजह से लोग जब आक्रामक होने लगते हैं तो सरकार इन्हें पकड़कर एक अलग जगह रखने लगती है, ताकि उन्हें ठीक करने के लिए एक इफेक्टिव दवाई बनाई जा सके। और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि अगर आप इसी शहर में कहीं शिफ्ट हो जाएं। अब ज्यादातर लोग म्यूटेंट से दूर ही रहना पसंद करते थे, जिनमें से एक एमिल भी था। पर फ्रांसिस उसे समझाता है कि उसकी मॉम अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम काफी बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल भी निकल चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटे इसी शहर के एक नए घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, और एमिल भी यहाँ के एक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब स्कूल में एमिल का पहला दिन है, इसलिए टीचर सभी स्टूडेंट से एमिल का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो नैंसी नाम की एक स्टूडेंट एमिल के मॉम डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसके डैड एक शेफ है और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद नैंसी को अपनी बातों पर गिल्टी फील होने लगती है, तो वो एमिल को सॉरी कहती है, जिससे नैंसी की बिहेवियर देखकर एमिल को वो मन ही मन बहुत अच्छी लगती है। अब इसके बाद एमिल स्कूल के बाद घर पहुंचता है, और हम रात का सीन देखते हैं, जहां मौसम खराब होने की वजह से बाहर बहुत तूफान हो रहा था, जिससे उनके घर की बिजली भी चली जाती है, और तूफान की आवाज से एमिल की भी आंख खुल जाती है। तो वो उठकर जब खिड़की के पास आता है, तभी अचानक उसकी नजर बाहर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो उनके घर के अंदर झांक रहा था। लेकिन अगले ही पल वो म्यूटेंट वहां से गायब हो जाता है। फिर अगली सुबह रात की तूफान की वजह से जो पेड़ घर के सामने गिर गया था, दोनों मिलकर उसे हटाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को एक इमरजेंसी कॉल आती है, जिसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी लेकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बीती रात की तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी, जिस वजह से बहुत सारे म्यूटेंट वहां पर मारे गए। और ये देखकर फ्रांसिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कॉल करके उसे पहले ही बता दिया गया था कि उसकी बीवी लीना भी इसी एम्बुलेंस में थी। लेकिन कुछ ऑफिसर्स आकर उसे रोकते हैं, और शांत कराते हुए जूलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कुछ म्यूटेंट्स एक्सीडेंट की वजह से मर गए हैं, और कुछ यहाँ से निकलकर जंगल में भाग गए हैं, और भागने वालों में से फ्रांसिस की बीवी लीना भी एक थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एमिल के स्कूल के टीचर टग ऑफ वॉर का एक मैच रखते हैं, जिसमें एमिल भी हिस्सा लेता है। लेकिन जब एमिल के टीम के सारे स्टूडेंट गिर जाते हैं, तो एमिल अकेले ही रस्सी खींचकर ऑपोजिट टीम को हरा देता है, और उसकी वजह से एमिल की टीम ये मैच जीत जाते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट उसकी ताकत देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट एमिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है, पर एमिल का ध्यान सिर्फ अपने हाथों की तरफ था और वो कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत ही अपने घर चला आता है, जहां वो अपने नाखून के अंदर किसी चीज को देखकर बड़ी मुश्किल से उसे निकालता है, जिससे उंगली से खून निकलने लगते हैं। इसके बाद जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है, तो वो देखता है उसके पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसका मतलब था कि एमिल भी अब एक म्यूटेंट बनने लग गया है।
वहीं फ्रांसिस जब सुपरमार्केट में सामान ले रहा था तो उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। तभी उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया अपनी टीम को पूरा स्टोर खाली करने के लिए कहती है। लेकिन फ्रांसिस उस म्यूटेंट को ढूंढने लग जाता है तो जूलिया भी उसके साथ आने लगती है और फ्रांसिस को लग रहा था कि शायद ये म्यूटेंट उसकी बीवी लीना हो सकती है। पर जब वो उस म्यूटेंट को देख पाते हैं तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी। लेकिन तभी वो लड़की उनके ऊपर सामान गिरा के वहाँ से भागने लगती है तो जूलिया उसके पीछे पड़ जाती है। पर वो लड़की जूलिया के ऊपर चीजें फेंकते हुए भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी जूलिया उसे जंप मारकर बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस वाले उस म्यूटेंट को एम्बुलेंस से लेकर चले जाते हैं। फिर हम अगले फ्राइडे का सीन देखते हैं जहाँ एमिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया होता है और वहाँ सभी मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एमिल को शराब की वजह से परेशानी होने लगती है, जिसके लिए नैंसी उसे एक दवाई देती है। पर एमिल अजीब तरीके से उसके हाथ को चाटते हुए उस दवा को लेता है और उसकी ये हरकत देखकर वहाँ बैठे उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाते हैं। अब अपना मजाक बनते हुए देखकर एमिल को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से उठकर जाने लगता है और फिर भागते हुए पास के ही एक जंगल में चला जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक लेख के पास पड़ा हुआ पाता है। वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी से घर के बाथरूम में पहुंचकर टी शर्ट उतार कर खुद को चेक करने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। तो उसके मुंह से एक पंख निकलता है, जिसका मतलब है कि रात को उसने किसी चिड़िया का शिकार किया था। फिर थोड़ी देर बाद एमिल और फ्रांसिस जंगल में लीना की तलाश के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब उसकी मॉम एक क्रीचर में बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। जिस पर फ्रांसिस कहता है उसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा, वो बस थोड़ी सी बदल गई थी, पर वो आज भी लीना को अपनी बीवी मानता है। उसके बाद वो लीना को बहुत देर तक ढूंढते हैं और फिर रात हो जाती है तो वो गाड़ी लेकर जंगल के चारों तरफ लीना को पुकारते हुए ढूंढने लगते हैं, पर फिर भी वो उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद वो गाड़ी में ही सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली होती है, तभी उनका कुत्ता अचानक गाड़ी से उतर कर जंगल की तरफ भागने लगता है तो उसका पीछा करते हुए एमिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन एक जगह जाने के बाद अचानक वही बर्डमैन जो शुरुआत में एम्बुलेंस से भागा था वो एमिल पर हमला कर देता है और उसे गिराकर मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान जैसे ही उसकी नजर एमिल की आंखों पर पड़ती है तो उसे एहसास हो जाता है कि एमिल भी एक म्यूटेंट ही है, तो वो रुक जाता है और तभी एमिल के डैड उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो एमिल को लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में फ्रांसिस एमिल को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन एमिल जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही क्या होगा। तो इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि इसी बीच अचानक गाड़ी के आगे एक घोड़ा आ जाता है, पर फ्रांसिस सही समय पर ब्रेक लगाकर कार को संभाल लेता है। फिर वो देखते हैं कि वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए हैं, जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था, इसलिए ऑफिसर जूलिया और उसकी टीम वहीं पर मौजूद थी। तो जूलिया आकर एमिल के जख्म देखकर पूछती है क्या हुआ, तो एमिल कहता है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया था। तो जूलिया उन्हें आर्मी कैंप में ले जाती है, जहां एक आर्मी डॉक्टर एमिल के कंधे पर स्टिचेस लगाते हैं और यहां हमें पता चलता है कि भागे हुए म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए आर्मी को भी बुलाया गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एमिल के शरीर में लगातार बदलाव आने लगते हैं, जिनका असर उसके डेली लाइफ पर भी पड़ता है, जैसे कि क्लास में अजीब तरह से हरकतें करना और अब तो वो सही से साइकिल का पैडल भी नहीं मार पा रहा था। तो नैंसी ये देखकर पूछती है क्या हुआ, तो वो तबीयत खराब होने का बहाना करता है, जिसके बाद नैंसी उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर दोनों बहुत देर बातचीत करते हैं। फिर जब एमिल ड्रिंक लेने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसकी नजर एक मरी हुई बर्ड पर पड़ती है, जिसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा पंख एमिल को अपने गले में मिला था। तो एमिल के पूछने पर नैंसी बताती है कि ये बर्ड मुझे बाहर मरी हुई मिली थी, तो मैंने बस इसे उठा के यहाँ पे रख दिया था। ये सुनकर एमिल को अजीब लगता है, पर नैंसी बताती है कि मैं इस बर्ड को आर्मी को देना चाहती हूँ ताकि वो इसे उन म्यूटेंट्स को खाने के लिए दे सके। अब इस छोटी सी डेट के बाद एमिल वहां से चला आता है और सीधा आकर एक तालाब में छलांग लगाता है और वहां से मछलियां पकड़कर खाने लगता है और फिर कुछ मछलियों को लेकर उसी जंगल में पहुंचता है जहां पर वही बर्डमैन ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद वो बर्डमैन लुढ़कता हुआ आकर एमिल के सामने गिर जाता है। फिर एमिल उसके सामने कुछ मछलियां रखकर उसे खाने के लिए देता है तो वो बर्डमैन मछली लेकर खाने लगता है। फिर एमिल
कैमिल उस बर्डमैन को अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है उसका नाम फिक्स है। जिसके बाद एमिल फिक्स के पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है लेकिन फिक्स को कुछ भी याद नहीं था। इतने में यहाँ पर एक और छोटा सा क्रीचर जो असल में एक बच्ची थी वो भी आकर एक मछली उठाकर पेड़ में चढ़ने लगती है, जिसे देखकर एमिल फिक्स से पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो फिक्स कहता है नहीं, वो बस मेरा पीछा कर रही है क्योंकि अभी तक उसे उसका घर नहीं मिला है। इसके बाद फिक्स कहता है कि वो पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता इसलिए उसके पास घर भी नहीं है। जिस पर एमिल फिक्स को पक्षी की तरह उड़ना सीखने के लिए पास के ही एक तालाब में ले जाता है, जहां वो उसकी मदद करता है और तालाब से सभी लकड़ियों को हटाने लगता है ताकि वो उड़ना सीखते दौरान जख्मी ना हो। और इस तरह फिक्स और एमिल के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद शाम को एमिल अपने साइकिल से घर की ओर जाने लगता है लेकिन वो ठीक से साइकिल नहीं चला पाता, जिससे वो गुस्से में आकर साइकिल वहीं फेंक कर चला आता है। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं जहां उसे रेस्टोरेंट के बैकयार्ड में एक क्रीचर के होने की हलचल नजर आती है। तो फ्रांसिस को लगता है कि शायद ये लीना हो सकती है, लेकिन तभी पीछे से एक क्रीचर आकर सीधा फ्रांसिस पर हमला बोल देता है और उसे दबोचने लगता है। पर तभी वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर पहुँच जाती है और उस क्रीचर को शांत करती है और बताती है कि वो उसकी बहन है जिसे पुलिस से बचाने के लिए उसने जंजीरों से यहाँ बांध के रखा है। लेकिन तभी वो क्रीचर जंजीर तोड़कर वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती है। तो फ्रांसिस भी फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वहाँ उसकी बीवी लीना भी हो सकती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे कोई और क्रीचर नजर आता है जो एक भालू की तरह था और वो फ्रांसिस को देखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जूलिया आर्मी टीम के साथ रेस्टोरेंट में आती है तो फ्रांसिस जूलिया से झूठ कहता है कि उसने जंगल में लीना को देखा है ताकि उसकी टीम लीना को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। और तब वहाँ पे एमिल भी अपने डैड से आकर मिलता है और कहता है उसकी साइकिल खराब हो गई थी इसलिए पहुँचने में देर हो गई। अब अगले दिन एमिल फिक्स के पास पहुंचता है जहां फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है। अब शाम को फ्रांसिस जब जूलिया को साथ लेकर लीना को ढूंढने उस जंगल में आता है तो उसे वहां एमिल की साइकिल मिल जाती है। पर एमिल की साइकिल यहां देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो साइकिल लेकर वापस घर आ जाता है। इसके बाद जब वो बाथरूम में आकर हाथ धोने लगता है तो वो देखता है कि बेसिन की पाइप जाम हो गई है, इसलिए वो पाइप खोलकर देखने लगता है तो पाइप के अंदर से उसे कुछ बाल और कुछ टूटे हुए नाखून मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर एमिल के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है जो वो छुपा रहा है। इसके बाद जब एमिल घर पहुंचता है तो फ्रांसिस उसे वो नाखून दिखाकर पूछता है ये किसके नाखून है जो मुझे बाथरूम में मिले हैं। तो एमिल कहता है कि वो नहीं जानता, जिसके बाद फ्रांसिस उसे साइकिल दिखाकर कहता है ये आज मुझे जंगल में मिला है, तुम वहाँ क्या करने गए थे। ये सुनते ही एमिल यहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर कुछ दूर जाते ही फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि मेरे बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो एमिल जोर जोर से रोने लगता है और बताता है कि अब वो भी धीरे धीरे एक क्रीचर में बदल रहा है। फिर अगली सुबह नाश्ता करते दौरान फ्रांसिस एमिल को समझाता है कि दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस से बचने के लिए एमिल को अपने नाखून और बाल काट के रहना होगा, जिस पर एमिल भी मान जाता है। फिर अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जंगल में पहुंचता है, लेकिन आज फिक्स कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो एमिल को कुछ कहने की कोशिश करता है पर इसकी आवाज सिर्फ बर्ड की तरह ही निकलती है, और अब वो उड़ने भी लगा था, यानी कि अब फिक्स पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल चुका था। इसके बाद वो एमिल को उड़के भी दिखाता है, जो देखकर एमिल भी बहुत खुश हो जाता है। अब इसी रात को फ्रांसिस आकर एमिल से पूछता है तुम सारा दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम्हें अब ऐसे ही बाहर नहीं घूमना चाहिए। इसी दौरान उसकी नजर एमिल के नाखूनों पर पड़ती है तो वो एक कैंची लेकर कहता है कि तुम्हारे नाखूनों को काटना पड़ेगा, लेकिन एमिल नाखून काटने के लिए तैयार नहीं होता। और जब फ्रांसिस जबरदस्ती करता है तो एमिल फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है, पर कुछ देर बाद वो फ्रांसिस को छोड़ देता है और फिर बाहर चला आता है। अब बाहर आने के बाद उसे नैन्सी मिलती है जो उसे अपने फार्म हाउस तक साथ जाने के लिए कहती है। तो एमिल भी मान जाता है और दोनों एक साथ बातें करते हुए जाने लगते हैं, और बातें करते करते वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एमिल जब वापस आता है कि तभी उसका विक्टर नाम का एक दोस्त उससे मिलने आता है। विक्टर को असल में पता चल चुका था कि एमिल भी एक क्रीचर में बदल रहा है, इसलिए वो एक हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस निकालकर एमिल के पास आकर आवाज रिलीज करने लगता है, जिसे सुनकर एमिल को तकलीफ होने लगती है और एमिल ये सहन नहीं कर पाता, और तभी वो विक्टर को थप्पड़ मार
मार देता है जिससे उसके गाल पर जख्म हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और विक्टर की आवाज सुनकर आसपास के आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं एमिल विक्टर को थप्पड़ मारने के बाद उसी जंगल के आसपास ही था, लेकिन वो समझ जाता है कि आर्मी और पुलिस इसी जंगल में किसी क्रिएचर को ढूंढ रहे हैं, तो वो घबराकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर थोड़ी दूर से जंगल में किसी को भागते हुए देखकर गोली चला देता है, लेकिन तभी वहां फिक्स आकर उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। वहीं नीचे से एमिल भी फिक्स को देख लेता है और दोनों यहां से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पड़े हुए थे। और बहुत दूर भागने के बाद एक जगह से पुलिस फिक्स पर गोली चला देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर एमिल उसके पास जाता है, लेकिन एमिल उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर फिक्स अपना दम तोड़ देता है। अब पुलिस वहां पहुंच पाते उससे पहले एमिल वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम एमिल को देखते हैं जो अभी भी जंगल में ही था और जंगल में चारों तरफ भटकने लग जाता है। और इस दौरान वो जंगल में बेरीज तोड़कर खाता है और तालाब में भी नहाता है, और इस तरह वो 4-5 दिन जंगल में ही गुजार लेता है। फिर एक रात जब वो एक गुफा के अंदर रात गुजार रहा था, तभी उसकी नजर एक क्रीचर पर पड़ती है जो असल में उसकी मॉम लीना ही थी। लीना अब पूरी तरह से एक भालू के शक्ल में बदल चुकी थी और वो एमिल के पास आकर समझ जाती है कि वो उसका ही बेटा है, लेकिन वो फिर वापस जंगल में चली जाती है। तो एमिल भी गुफा से निकलकर उसका पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देख पाता है कि यहां सभी क्रीचर रह रहे हैं जो पहले कभी इंसान हुआ करते थे, और अब वो सभी अलग अलग क्रीचर के शक्ल में बदल चुके हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पुलिस आ पहुँचते हैं और वो एक एक करके सभी क्रीचर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर एमिल भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही वो गिर जाता है और पुलिस आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन पुलिस एमिल को एक नॉर्मल इंसान के रूप में पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एमिल शायद यहाँ गलती से आ गया होगा। अब पुलिस स्टेशन में एमिल को छुड़ाने के लिए फ्रांसिस पहुंचता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि एमिल को इस पेपर पर साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि वो जंगल में गलती से पहुंच गया था। लेकिन साइन करने के लिए जब वो पेन पकड़ता है तो साइन नहीं कर पाता, और इस वजह से एमिल गुस्से में ऑफिसर के सामने गुर्राने लगता है, और इसकी आवाज पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है। पर अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रांसिस उस ऑफिसर को धक्का मारकर गिरा देता है, और फिर वो खुद ही उस पेपर पर स्टैंप लगा कर एमिल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में एमिल अपने डैड से कहता है कि वो अब घर नहीं जाना चाहता, बल्कि वो जंगल में रहना चाहता है अपनी मॉम लीना के साथ, क्योंकि वो उससे मिला था और वो भी उसी जंगल में है, और वही पुलिस भी इनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन फ्रांसिस भी समझ चुका था कि उसे एमिल को जाने देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी दुनिया नहीं है और अब वो सिर्फ जंगल में ही खुश रह सकता है। इसलिए वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है और पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए उस जंगल के एकदम बीच में पहुंच जाता है, और वहां गाड़ी रोककर एमिल को जंगल में चले जाने के लिए कहता है। पर इस समय फ्रांसिस की आंखों में आंसू भी थे, मगर उसे पता था कि वो अपने बेटे के लिए अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिसके बाद एमिल जंगल में चला जाता है। और अब कहानी के आखिर में हम एमिल को जंगल में देखते हैं, जो भेड़िये की तरह गुर्राते हुए भाग रहा था, और वो अब बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।